खाली न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे 20 को, ठीक बा। आइए फर्स्ट नंबर, पहला क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग। पहला क्वेश्चन प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, देखो। एक पिंड का द्रव्यमान पचास किलोग्राम तथा दूसरे पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तथा इनके बीच की दूरी 20 मीटर है, तो कल लेके आना कितना मोटका 12 वाला नहीं होगा तो खरीद लेना, 1000 रुपया मिलेगा, खरीद लेना 1000 रुपया मिलेगा, 2 दिन में खरीद लेना। किताब ना कर दिला चला, हाँ तो बल बताना है। अच्छा इसको बना लोगे सब लोग, सोचो कैसा बनेगा बताओ। हाँ इसी से बनेगा, आप क्या करिए ना देखो हल कैसे करोगे। कल एक क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, नहीं तीनों होगा 40-40 मिनट का सब 10-10 क्वेश्चन रहेगा। एम कमान 50 kg, एम कमान 50 kg, M1 लिख दो, M2 कमान 100 kg, R कमान 20 मीटर, कहाँ निकालना है F, तो हमें तो लूट लिया मिलके आए दोनों द्रव्यमानों ने, कौन कौन 50 वाले और 100 वाले ने, एक 50 किलो की लड़की भी 100 किलो के। R कमान कितना दिया है 20 गुना 20, आइए 1-0 से 1-0, आइए 1-0 से 1-0 है, 2 से काट दो 25 बार में, 25 से काट दो 12.5 बार में, 6.67 गुण है, 12.5 गुण है, 10 को -11 कहीं ना किनारे है। देख लो मैं कैसे गुणा कर रहा हूँ, तुम लोग सिखा रहा हूँ, 125 से गुणा करो, 7 बजे 35 के 5 7 में 3, 6 बजे 30 3 33, 7 में 3, 6 बजे 3 3 33, ठीक है। क्रास 7 × 14, 6 × 12 = 13, 6 × 12 = 13, और ये 7, ये 6, ये 5, 4 × 3 = 7, 7 × 10 = 13, 6 × 3 = 9, 3 × 12 = 13, 6 × 1 = 7, 7 × 1 = 8, 10 लगाना है। एक ये अंक है, 2 1 है, 3 अंक बाद यहाँ पर लग जाएगा, 3 अंक बाद 10 लगाएगा, 2 अंक है, 1 अंक है, तब 83.375 गुणे 10^-11 न्यूटन, 1 दशमलव इधर लेकर आओ तो 8.3375 10^1 10^-11 न्यूटन, तो 8.3375 गुणे 11 में से 1 10^-10 न्यूटन, ये हमारा क्या हो जाएगा वही जो रब चाहता है। तो यह सवाल कंप्लीट हुआ, नोट कर लो। मैं आप लोग का दुलारा, अब तो खिलाते हैं इस क्वेश्चन को, लिखो। सूर्य के 2 ग्रहों की औसत दूरियां क्रमशः 10^13 और 10^12 मीटर है, तो इनके आवर्त कालों और इनके चालों का अनुपात बताइए। चलिए लिखते हैं बाबू, दूसरा क्वेश्चन आज का, रुका है बाबू रुका, दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य से 2 ग्रहों के बीच का दूरी 10^13 मीटर तथा 10^12 मीटर है, तो इनके परिक्रमण कालों का अनुपात तथा चालों का अनुपात बताइए। चालों का अनुपात बताइए, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके परिक्रम में कालों का अनुपात और इनके चालों का अनुपात बताइए। अच्छा कितनों लोग परिक्रम में काल का अनुपात बता सकते हैं, जरा सोच के बताओ। कुछ कर दो,
उसका रूल आप पढ़े हैं ना, उस रूल को बताइए। जब आप पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, तो आप रूल को बताने के लिए रखिए, तभी ना आप डॉक्टर बनेंगे, जो भी बनना होगा बनेंगे। बताओ जी, तो थर हो गई, चलाओ। सब बदल रहा है अब धीरे धीरे। पढ़ाई को दूर जाने में टाइम नहीं लगता है, ध्यान रखना। वही बार 12 बजे उठ के पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे आगे मत निकल जाए, जान जाना। सीक्रेट नहीं बताने बता देते हैं कि क्यों टीचर हमारे आगे नहीं निकले, इसलिए मेरा 12 बजे क्या कि अगर सुतल बन तो पढ़ाते हैं तो मैं कब आ गया जान। हम ये चाहते हैं सब टीचर लोग घूमें, रोड पर घूमें, बाजार में जाकर राजनीति करें, क्योंकि राजनीति करें मैं बैठ कर पढ़ूंगा, सारे कभी रहूँगा। दिस इज माई थिंकिंग। अच्छा तुम मोबाइल से बतियाओ दिन भर, हाँ मैं किताब बैठ के पढ़ता हूँ, आई एम ग्रेट, मैंने मैं आगे रहो, तुम कह रहो पीछे। आज जो बात की उसे सीखो, अपने दिमाग में उतारो कि मैंने कहा बोला है। चलिए, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, याद है कि जो परिक्रमा पढ़े होंगे आप, पृथ्वी का नियम, दूसरा तृतीय नियम, कैपुलर का नियम, तृतीय नियम कि जो परिक्रमा काल का वर्ग होता है, हाँ दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो आप उसी से लगेगा टी लिखो, टी का वर्ग समानुपाती आर के ऊपर क्यू, तो टी का वर्ग बराबर टी वन लिखोगे तो आर वन, आर वन का वर्ग हो गया, और यहाँ पर बटा में टी टू लिखोगे, यहाँ पर आटो के ऊपर तीन का दे दिया है। अच्छा एक बात बताओ, सब पहले समझो इसको। टी वन अगर मेरे हाथ एक होता ना, एक तो यही लुको के खड़ा होकर लिखती हूँ, लेकिन दोनों है आर के ऊपर थ्री बटा में आटो के ऊपर थ्री, पलट इधर लेकर जाऊँ। टी वन बटा टी टू इधर लेकर जाओगे तो कहा हो जाएगा आर वन के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, इसके ऊपर थ्री आर वन बटा आर टू, इसके ऊपर थ्री लिख सकते नहीं हो ही जाए तो पलट जाए, ये कोपरा चल जाए दो नीचे आए, तो देखा था हम काके करते हैं, बस लड़का ही देखा देखा काके करते कितना आगे चल गया। टी वन बटा टी टू बराबर, अच्छा तीन से गुणा एक होगा तो तीन बटा दो, देखो बुझाता कुछ मिट गया, अब जब वक्त आता है ना चुप हो जाते हो तुम लोग, वो शेर होगी जो सीआर को देखकर पूंछ हिलाते हो, 10 को 13 ऊपर ऐसे ही रखो, ये ऊपर लेके जाओ 10 को -12 इसके ऊपर 3/2 बुझाता है कुछ। हाँ भाई 13 में से 12 गलत कहता है, खाली एक मान खाली 10 को ऊपर 10 हाँ इसके ऊपर 3/2 सुनत रहा कहानी अब क्या बताओ नहीं आओ वही ना एकरा कम नहीं के 3 × 1/2 कर सक जला, एकरा मतलब हो गया कि 10 को ऊपर 3, एकरा मतलब हो गया कि कोगो 10 3 × 3 × 3 तो t1/t2 बराबर जोड़ा लगाओ, देखो 10 × 10 = 1 तो 10 × 10 संबंध 1, तो आप ए को आंसर आएगा किसका परिक्रमा काल का, उसका का। चलो नोट कर लो इसको, तब चाल का पहले नोट कर लो, तब हम लोग सभी लोग चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर तो मान लो कि ग्रह तो वृत्त में घूमता है, तो परिधि बटा सम। चलो आइए अब चाल बात है, जब भी वन लिखा जाओ, आइए 2π r1 लिखा जाओ, आइए t1 लिखा जाओ, इतना समझ में लो। समीकरण नंबर 1 माना जाओ, और यहाँ v2 बराबर 2π r2 बटा में t2 समीकरण नंबर 2 माना जाए। अब यह समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया जाए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या हो गया, v1/v2 बराबर 2π r1 बटा में t1 पूरा का बटा में 2π r2 बटा में t2। चलो 2π से 2π कैंसिल, ऊपर कर रहे बाबू भाई, r1/t1 जैसे बा वैसे ही ये t2 ऊपर चला जाएगा, r2 कहाँ आ गया नीचे, r1 दिया है 10 को ऊपर 13, t2 निकाले थे 1 याद है, t2 कितना था 1,
टी वन आपका आया था उसके ऊपर 12 और आर टू नहीं, आर टी वन का आपका था 10 कॉलोनी में 10 और क्या था आपका आर टू निकाले थे ना 10 के ऊपर 12। सुनो सुनो ध्यान से, 10 के ऊपर 13 ऐसे ही लिखो भाई, 10 के ऊपर 12 और कितना आ जाएगा 10 के ऊपर 13 और कॉलोनी में 10, 10 के ऊपर 13 से 10 के ऊपर 13 कैंसिल, एक बटा कॉलोनी में 10, तो एक बटा कॉलोनी में 10 का मतलब होता है कि एक संबंधी कॉलोनी में 10 आपका कहा जाए। आंसर क्वेश्चन है, समझ में आया है बताओ। देखो कह रहा है किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 80 किलोग्राम है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 80 किलोग्राम है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार लिखो, क्षेत्रमान लिखो, पृथ्वी पर द्रव्यमान 80 किलोग्राम तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.34 गुणा 10 के ऊपर 22 किलोग्राम तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.34 गुणा 10 के ऊपर 22 किलोग्राम तथा त्रिज्या इसकी त्रिज्या 1.75 गुणे 10 के ऊपर 6 मीटर है तथा कैपिटल जी बराबर जानते भी होंगे 6.67 गुणे 10 के माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार मान व्यक्ति का द्रव्यमान तथा बल बताइए, निकाल लोगे इसको ऐसा निकालना है, बराबर जी एम वन एम टू बटा मार इसको, तो जी का मान 6.67 गुणा 10 को माइनस 11, एम वन का मान भर दो में से कौन एम वन एम टू मान लो 80 मान लो, इसको 7.34 गुणा 10 को 22 मान लो बट्टा में आर आर है ना कहीं 1.75 गुणा 10 के ऊपर 6 मीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, हल कर लो, हल करके बताओ कितना होगा, तो हल करो इसको देखें। चलो मिला लेना एक बार, मैंने पूरा हल करोगे तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख दी, बोलो 128 न्यूटन आएगा, 128 न्यूटन, 128 न्यूटन आ जाएगा पूरा इसका मान, ठीक। चलो ये चंद्रमा पर देखो कितना बल आ गया 128 मीटर, दूसरका जानते हो बताओगे चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है बाबू, भार चेंज नहीं होता यार, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार बोल रहे थे, द्रव्यमान लिखो या भार लिखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया, चंद्रमा पर द्रव्यमान 80 किलोग्राम, चंद्रमा पर द्रव्यमान 80 किलोग्राम ही होगा, होगा क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान में खाली भार चेंज होता है बाबू, खाली माने भार चेंज होगा, भार जब जाएंगे चंद्रमा पर ये चेंज हो जाता है। लड़की नमस्कार, जब तुम चंद्रमा पर जाओगे तुम्हारा जो भार होगा ना 1/6 हो जाएगा, 6 किलो होगा तो 5 1 किलो हो जाए भाई, लेकिन तुम्हारे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझ रही है,
चलोगे चांद के पार चले? है चांद पर चलोगी? सितारों के दुनिया में हम भी एक घर बनाएंगे, उस घर में क्या होगा? तो जल्दी लिखिए ना, क्या कर रहे हैं? एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, कहीं भूलिएगा मत। चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा? यदि चंद्रमा के त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या के 1/6 भाग हो, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/10 भाग हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास है कि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा? यदि चंद्रमा का जो त्रिज्या है पृथ्वी के त्रिज्या के 1/4 हो, और जो चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग हो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? समझो जी, सीखो तो नहीं तो सीखो ये सब, ये सब सीखा जाता है, मिटा नीचे वाला ना। चलो यदि आगे लिखना, यदि चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का पृथ्वी के त्रिज्या का 1/4 भाग तथा चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग हो। अच्छा याद है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है कि पहला भी कंडीशन मोइंगा लिख लिया जाता है, कब बहुत सीध किए था आप, क्या नाम है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। लेकिन यहाँ हम लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? याद है क्यों नहीं यूज करेंगे बताओ, बोलो। क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में स्मॉल जी नहीं आता, आता कहाँ वाला, या बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में आर स्क्वायर, स्मॉल जी नहीं आता। तो किस सूत्र से लगाएंगे? देखो इसमें दो बात कहा गया है, एक बात द्रव्यमान की है, एक बात त्रिज्या की है, और एक बात गुरुत्वीय त्वरण की है। तो द्रव्यमान त्रिज्या गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम ई बटा में आर स्क्वायर से, इसी से आपका यह सवाल लगेगा। तो आप यहाँ पर पहला तो लिख लीजिए स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा में आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जी डैश कर लीजिए बाबू, एकदम आराम से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन है, बस कैपिटल जी होंगे लिखो, यम का मान चेंज हो गया बाबू। अगर पृथ्वी के द्रव्यमान यम माने हैं, पृथ्वी की त्रिज्या आर माने हैं, तो अब जो चंद्रमा के द्रव्यमान जो होगा, ये चंद्रमा की बात करें, मान लो पृथ्वी की बात हुई, ये चंद्रमा की बात हुई, पृथ्वी के कहाँ चेंज होता है, जैसे वो सही रहते हैं, चेंज हो गया चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर गए हैं तो उसका द्रव्यमान कितना दिखा रहा है, 1/54 भाग नहीं 1/80 भाग है ना। तो यहाँ पर यम 1/80 लिख लो, बटा में आर, आर का मान 1/4 कह रहा है, तो आर 1/4, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर जो है, तो स्क्वायर जो होगा उसको ऐसा लिखो, ठीक है। चलो एक काम करो बाबू जी, यम वैसे ही रखो, चलो 1/80 वैसे ही लिखो, पूरा का 1/2 में आर स्क्वायर नीचे 16 लिखो, ठीक है। तो कहाँ होगा जी एम ऊपर आपका 16/80 गुणे आर स्क्वायर, ठीक है, 16×5=80 हो जाएगा। तो जी एम 5×R² और इसके जगह पर कितना रखेंगे आप, इसके जगह पर कितना रखेंगे बताइए, जरा सोच के बताओ। जी डैश बराबर कितना आ गया, 1/5 है क्या, ठीक है ना, 16×5=80 होता है, ठीक है, दिन दिन मिला लेना, तो 1/5 और उस पूरे के जगह पर कितना लिख देंगे, जी जी लिख देंगे। तो अब जो गुरुत्वीय त्वरण होगा पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण के इतना हो जाएगा, यानी जी का मान अगर 10 रखते हैं तो जब 10/5 काटोगे तो 2, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया, 2 m/s², बहुत कम हो गया, देख रहे हैं घट गया आपका, चंद्रमा पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान घट ही जाता है,
जी डैश पर आ गए, जी का मान 10 होता है, भर दीजिए, समझे हो? लिख लो, जल्दी लिख लो बाबू। हाँ